कहाँ रह गई? अरे कहाँ रह जाती है तू खाला? कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आ गई हूँ ना। अच्छा मेरी बात सुन, निम्रा के घर में जो काम करती है ना, उससे पता चला है कि निम्रा वापस आ रही है। वाकई में वो वापस आ रही है? तो ये तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे खाला। मुझे तो लगा था कहीं वो पक्की पक्की कराची ना शिफ्ट हो गई हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तेरा उससे बेजोड़ निकाह भी हुआ और टूट भी गया, अब तू किस हिसाब में उसकी राह देख रहा है? अरे ये दिल के मामले हैं खाला, तू नहीं समझेगी। मैंने निमरा से सच्ची मोहब्बत की है, दिल की हर गहराई से। अब तो क्या फायदा, अब तो उसके चचा के लड़के से निकाह भी हो गया है, वो भी दूसरा। अरे ये नफा और नुकसान ना तू मेरे पे छोड़। अच्छा मुझे ये बता, निम्रा खुश तो रहती है ना? मतलब कहीं आती जाती भी है या घर वालों ने उसे कैद करके रखती है? अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा, क्या मतलब? यार क्या मतलब, छोड़। देख तू बस उस पे नजर रख, देख कहाँ आती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, समझ रही है ना? चल ठीक है, नजर रखती हूँ। चाय तो पिला दे। तो तेरी ये चाय वाली फरमाइश है ना, खत्म नहीं होती। चल इधर से आ जा। बात नहीं बनी और आपस चुपचाप वापस आ गई हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस घर की ईंट से ईंट बजा देती? मैंने कोशिश नहीं की, मुझे अफसोस नहीं है, मुझे दुख नहीं है। मैंने तो यही समझ लिया था कि वो आलीशान घर महल मेरी बेटी की मलकियत है। अरे मैं तो खुली आंखों से ख्वाब देख रही थी कि मेरी बेटी उस घर की मालकिन बन गई है, कभी यहाँ घूम रही, कभी वहां घूम रही, सब पे हुक्म चला रही है। ठीक है अम्मी, बस कर दें अब आप भी। सच्चे मन मैं तुझे क्या बताऊं, किस दिल से नाकाम होकर मैं वहां से आई हूँ। आप आ गई हैं, उसको क्यों साथ ले आई? छोड़ाती हूँ उधर ही, अपने मैके में खुश रहती वो। अगर मैं मायूस होती तो मैं उसको वहां छोड़कर आती ना। क्या क्या मतलब? भाई देखो, अभी हारून का कहीं रिश्ता तय तो नहीं हुआ, तो अभी आज तो मेरी बाकी है ना। बस मेरी जान, ये कड़वे लहजे में ना निम्रा से बात ना किया कर, प्यार मोहब्बत से किया कर। प्यार मोहब्बत से बात करूं, उससे तो बात करने का दिल नहीं मेरा करता। हाय मन मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो वहां की फ्राई मछली बहुत ही याद आ रही है। अरे उनकी मौसी तो इतने मजे मजे के खाने बनाती थी, ओह क्या बताओ। और फ्रूट तो ऐसे पड़ा रहता था, ये देखो ये फ्रूट है। दोनों उधर रहेंगे होंगे, कुछ करें ना बाप।